अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मंडी शाहपुर कांजरा पर मैं यहाँ पर आया हूँ, आपके लिए वीडियो लाया हूँ अच्छी अच्छी। और मेरे साथ मेरे भाई हैं, ये एक बकरी का बहुत ही प्यारा बच्चा, छोटा सा बच्चा ये लेके जा रहा था, लेकिन आप देखे, असल बात ये बताने वाली है कि इसकी आंख जो है ये बच्चे की ख़राब है। इधर दिखाओ दिखाओ, ये देखें, ये आंख ख़राब है इसकी, लेकिन व्यापारी ने ये इसको नहीं बताया कि इसकी आंख वगैरह ख़राब है। नाज़रीन, अगर आप मंडी में आते हैं तो बंदा टांगे भी चेक कर लेता है, जिस्म भी चेक कर लेता है, नस्ल भी चेक कर लेता है, लेकिन वो कभी भी आंख चेक नहीं करता कि आया उस जानवर को नज़र भी आता है या नहीं नज़र आता। इसकी ज़िंदा मिसाल ये बकरी का बच्चा है, ये आदमी लेके आया है, और 6000 रुपये का ये बच्चा जो इसने अंदर से लिया है, उनसे भी हम बात करेंगे और दिखाएंगे कि आगे क्या डिटेल होती है इसके बारे में। तो आप जब भी जानवर लें, आपने आंखें चेक करनी है, जिस तरह ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी आंखें हैं इसके बच्चे की। व्यापारी हैं जी। अच्छा, तो ये दस भी जानवर से लैन देने, कई बार वो अन्ना ही हो गए, वो अन्ना ही बकरी तो बच्चा दे दिता, एक ही चक्कर है। मेरे साथ रहिएगा, व्यापारी से हम बात करते हैं कि उन्होंने क्यों ये बच्चा दिया। एक मिनट जरा, मैं आ रहा हूँ वापसी। आ भे पजा चल। नाज़रीन, हम भाग कर जा रहे हैं, वो कट कर दे दोबारा फिर ला दे। अच्छा, नाज़रीन ये काफ़ी अंदर से लेके आया है, इसकी जो है ना वो अच्छी थी किस्मत कि ये हमसे मिल गया और हमने बकरी का बच्चा देख लिया। आप देख सकते हैं कि इसकी जो आंख है बिल्कुल ब्लैक कलर की हुई हुई है, ब्लैक यानी सॉरी वाइट कलर की। तो वाइट कलर में आपको ये बच्चे को जब बड़ा हो जाएगा तो कैसे नज़र आएगा, नहीं नज़र आ सकता। तो ये भाई को मैं साथ लेके जा रहा हूँ और उनसे व्यापारी से पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। आपने अगर जानवर देना था तो आप बिल्कुल, अगर कीमत आप अच्छी लेते हैं तो आपको चाहिए कि जानवर भी आप अच्छा दें, तो फिर अच्छा जानवर आपने क्यों नहीं दिया। उनसे बात करते हैं, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, मुझे सांस चढ़ गया, यकीन करें मुझे सांस चढ़ गया, और मैं इसके साथ भाई के साथ जा रहा हूँ इसी बात की वजह से कि उनके पास चले। भाई आओ, भाई आओ जी, आओ जी, यानी पा दो, आओ भाई, कहड़ा भाई, आओ भाई। ये आप देख रहे हैं, ये पीछे हम यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे बकरियाँ वगैरह हैं, यहाँ पे बच्चे वगैरह हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और यहाँ पर बकरियों के बच्चे बेचे जाते हैं, दो माह का, 10 दिन का, 5 दिन का, तो यहाँ पे बच्चे सेल आउट होते हैं। नाज़रीन, बकरियाँ अलहदा सेल आउट हो जाती हैं जिनको दूध के लिए बकरियाँ चाहिए हो, और जो बच्चे होते हैं वो पालने के लिए लोग ले जाते हैं। इस वीडियो के बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि दूध वाली बकरियों की क्या कीमत है और बकरियों के साथ जो बच्चे होते हैं उनकी क्या कीमत है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ए भाई, की ना की मेरा वीर, वाजिद अली। वाजिद अली, वाजिद अली कितनी देर तन हो गई मंडी के काम कर दें? मैंने तकरीबन 10-12 साल। अच्छा, 10-12 साल आपको हो गए इधर जानवर लेके आते हैं जी। जो भी आदमी यहाँ पे आता है, लोग कोई टांगे चेक कर लेता है, कोई उसकी उम्र देख लेता है, कोई दांत देख लेता है, आज तक किसी ने ये नहीं देखा कि इसकी आंखों में क्या कोई अन्ना है, लूला है, आंखों से कौन सा कुरान पढ़ाना है। ठीक है, ओ हो हो हो, ये तो बात बुरी बात है, ये बुरी बात है। आप कह रहे हैं उनसे कुरान पढ़ाना है। अगर आप उस सर, अगर आप एक जानवर, अगर एक जानवर कुरान मजीद हमने पढ़ना है, अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए ये हमारे लिए कुरान मजीद अशरफुल मखलूकात बनाया इंसान को, इनसे प्यार करना और इनकी खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और इस सुन्नत पे अमल करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। ठीक है, इनका ख्याल रखें, बाकी लोगों से झूठ मत बोलें, झूठ ये देखे आप, ये बच्चा गलत बयानी मत करें। ठीक है,
अगले पैसे देकर लेके जा रहे हैं, कोई आपसे फ्री लेके नहीं जा रहा। ये अच्छा कितने का लिया आपने? ये 4000 रुपए था। तो आपने ये जब ये बच्चा देखा है आपको बिल्कुल सेट करके लेके गए हैं, आपको बताया इन्होंने? मैं नहीं, इन्होंने मैंने कोई गल नहीं दसी आंख के बारे, कोई गल नहीं दसी। ठीक है, मर्जी आंख चीनी पी नहीं। आपने अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी पाक का फरमान है कि जो माल दो उसकी आप पहले कमजोरी बताओ, उसकी खामी बताओ, ताकि तब सौदा होगा तो वो ठीक होगा। आपने इसकी आंख के बारे में बताया नहीं, वो आदमी ले गया है, चलो 3500 होगा। ये आपको पता है कि ये कितना गरीब है? 3500 किस तरह इसने कमाया है, किस तरह इकट्ठा किया है, और ये लेके जा रहा है पालने के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि ये आपका सौदा बिल्कुल ठीक है और जायज़ है और ये इस्लाम के मुताबिक है? आंख माड़ा जो पानी है और आना बिल्कुल ठीक है। कोई बंदा कह दे आप ये लेना पसंद करेंगे बच्चा? नहीं, आंख खराब है, नहीं पसंद। चलो छोड़ दो, गल खत्म, छोड़ मीडिया तक पड़गी, कोई और बखा की हो गया, अल्लाह माफी देगा सी को। ये थे अफसोस वाली गल, छोड़ दे यार, नाजरीन। ये आपको दिखाने का और बताने का ये एक मौका था जो मैंने ज़ाया नहीं किया। अगर आप मंडी में आते हैं तो जानवर देखते हैं तो आप खुदारा उसकी आंखें वगैरह तमाम अज़ा आप चेक करें, कहीं ऐसा ना हो कि आप अच्छा जानवर ख़रीदने की बजाय आपके साथ हाथ हो जाए और जानवर आप अंधा लेके चले जाएं या ऐसे अज़ा लेके चले जाएं जिसकी वजह से आपको बाद में परेशानी का जो आप सबब बने। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त चाहता हूँ, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।